देश और सभी राज्यों में कोरोना महामारी का प्रकोप पिछले कई महीनों से अपना ताकत जमाया हुआ है। पूरा देश इस महामारी का सामना कर रहा है। इस महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, साथ ही में सभी सार्वजनिक स्थान, देवस्थान और मंदिरों को बंद रखा गया था। कुछ महीने बीतने के बाद जब कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम होता दिखाई दिया तो राज्य सरकार ने मंदिर परिसर को खोलने की अनुमति और साथ में मंदिर से जुड़े गाइडलाइन को भी जारी किया है। भक्तों में खुशी का माहौल है, सभी नागरिकों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ठीक कुछ दिन बाद राज्य और देश में कई जगहों पर कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी। पुणे शहर में भी कोरोना ने अपनी लहर दिखाना चालू कर दी है। इसी को देखते हुए देहू रोड में श्री संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, जो कि पुणे का नामचीन देवस्थान में से एक है, आने वाले पंढरपुर की कार्तिकी एकादशी यात्रा के दिन यहाँ बड़ी पैमाने पर भीड़ इकट्ठा होती है। यहाँ कई श्रद्धालु अपनी श्रद्धा दिखाने बड़े दूर दूर से आते हैं। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए मंदिर की संस्था ने मंदिर परिसर को आने वाले 25 नवंबर से 27 नवंबर तक भक्तों के लिए बंद रखने का फैसला लिया है, ताकि यहाँ पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो और कोरोना को मात दिया जा सके। हालांकि मंदिर परिसर में पुजारियों द्वारा पूजा अर्चना विधि पूर्वक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वी एस आर एस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।